आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले चिक्सलब नाम का एक 15 से 18 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि अर्थ की 90% आबादी समाप्त हो जाती है। इम्पैक्ट के सेंटर से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले जीव तुरंत भाप बन उड़ जाते हैं। पृथ्वी से टकराते ही लाखों मैट्रिक टन धातु और रॉक्स के कण आकाश में सैकड़ों किलोमीटर ऊपर फैल जाती हैं। इतने बड़े इम्पैक्ट से पृथ्वी पर बहुत ही तेज कंपन उठता है, जिससे हजारों मीटर ऊंची सुनामी आने लगती है, और इस कंपन से उस समय के सक्रिय ज्वालामुखी फिर से दहक उठते हैं, जिससे सतह का टेम्परेचर लगातार बढ़ने लगता है। एस्ट्रॉइड एक्सप्लोजन के सेंटर से दूर वाले जीव भी इतनी जल्दी क्लाइमेट चेंज होने से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते हैं, और पृथ्वी की 90% आबादी महज कुछ दिनों के भीतर ही समाप्त हो जाती है। लेकिन 10% जीव अभी भी जिंदा बच जाते हैं, जिनसे आने वाले टाइम में धरती का विकास होता है, या कहें तो हम इंसानों का जन्म होता है। तो ये जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।